तो गाइस देख सकते हैं अभी फाइनली हम कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए अगरतला की दोस्तों ब्रिज पर, मतलब वो रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर है। ये देखिए बादलगढ़ स्टेशन, ये देखिए सामने आके दिखा, सामने आके दिखा रहे दोस्तों चारों तरफ छोटा मोटा मार्केट है यहाँ पर दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम फिलहाल पर जा रहे हैं बादलगढ़ स्टेशन के अंदर, ये देखिए अंदर सब्जी बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही गर्म है, तो गाइस आज हम जाएंगे त्रिपुरा के बादलगढ़ स्टेशन के अगरतला पर, जो यहाँ से दोस्तों 1.5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आज हम बादलगढ़ स्टेशन पे जाएंगे, वो भी पैदल। देख सकते हैं दोस्तों मेरी हालत, अभी रात के 8 बजे, जो 8 बजे तक बजा नहीं है दोस्तों। तो अभी हम पैदल जाना स्टार्ट करेंगे, अभी तक दोस्तों हमने 1 किलोमीटर पार कर लिया है पैदल। और इसे दोस्तों बहुत ही भयानक रोड माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट आए दिन होते रहता है। देख सकते हैं चारों तरफ इतना मतलब बड़ा रोड है। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में माँ काली का मंदिर है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ काली माँ को अंदर से। देखिए यहाँ पर दोस्तों 24 आवर्स मतलब कार आते ही रहती है, बड़े बड़े गाड़ी आते रहती है, यानी मतलब स्टॉप नहीं है, कभी शांत नहीं होता ये रोड दोस्तों। अभी तक बहुत पार कर लिया है और देख सकते हैं रोड कितना बड़ा है दोस्तों, और हम अभी भी चल ही रहा है दोस्तों कब से, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी इस आधा घंटे में हम पहुंच जाएंगे, आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं हम सीधे आमतली के रोड के इधर सीधे से जा रहे हैं, और साइड में देख सकते हैं एरो बना चुके हैं, एरो है यानी कि इससे आप जा सकते हैं कमान चौमोनी, और इस एरो से आप जा सकते हैं महेश कला रोड। देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए बड़ा करके लिखा हुआ है, तो हम सीधे जाएंगे अभी। देख सकते हैं फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं बहुत करीब। तो हे गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एट द रेट ओम प्राण ब्लॉग्स के एक और नए से वीडियो में मैं प्रणव आप लोगों का दया दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम बंगेश्वर ब्रिज पर, ब्रिज हमारे सामने है, तो आप इसे देख सकते हैं हमारे सामने ही ब्रिज है। देखिए दोस्तों ज़्यादा दूरी पर नहीं है, हमारे सामने है, और यहाँ से दोस्तों अभी आधा घंटे का रास्ता है, फिर हम पहुँच जाएंगे बंगेश्वर ब्रिज से सीधा दोस्तों बादलगढ़ स्टेशन पर, अगरतला का जो सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो आ जाइए हमारे साथ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने ही है बंगेश्वर ब्रिज, ये देखिए ये ब्रिज दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय है यहाँ का। इस ब्रिज पर सुबह सुबह बहुत सारे लड़के से लेकर लड़कियां तक मॉर्निंग्स के लिए यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो गाड़ियों की तेज़ी देख सकते हैं, ये देखिए मार देगा जैसे अभी, इतना भयानक तेज़ी। हमें डर लग रहा है कि हम ब्लॉग्स बनाते बनाते ब्लॉग्स ना हो जाए, देख सकते हैं हम बहुत ही साइड से चल रहे हैं दोस्तों। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम दोस्तों बंगेश्वर ब्रिज को अभी क्रॉस करके आए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, और आधा घंटा भी नहीं बचा, हम सीधे पहुँच जाएंगे दोस्तों उस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे त्रिपुरा का। दोस्तों देख सकते हैं अभी गाड़ी थोड़ा कम आ रहा है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से गाड़ी जाता है यहाँ से दोस्तों। दोस्तों अभी फ़िलहाल काफ़ी रात हो गए है दोस्तों, तो हम सीधे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी दिखा के हुए, क्योंकि रात का तो पता नहीं, रात को कुछ भी हो सकते हैं, और हम बस ठहरे दो यहाँ पर, तो अगर कोई अटैक कर दिया दोस्तों तो बुरे फंस जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम नीलगिरी ढाबा पर पहुंच गए, देख सकते हैं नीलगिरी ढाबा, ये दोस्तों NH 44 की तरह ही है नीलगिरी, बहुत ही बड़ा ढाबा है यहाँ का, देख सकते हैं बहुत ही फेमस है। तो यहाँ का दोस्तों डेकोरेशन देख सकते हैं, और अंदर लोग भी देख सकते हैं चारों तरफ, देख सकते हैं मेरे पीछे है नीलगिरी ढाबा यहाँ पर, और ऊपर सामने दोस्तों महिंद्रा का शोरूम भी है, देख सकते हैं नीलगिरी ढाबा दोस्तों। अभी हम दोस्तों नीलगिरी ढाबा भी पार कर रहे हैं, गाइस देख सकते हैं अभी हम महिंद्रा के शोरूम के सामने, मेरे पीछे ये महिंद्रा का शोरूम दोस्तों, देखिए दोस्तों महिंद्रा का शोरूम है ये, देख सकते हैं कितना बड़ा है दोस्तों, अंदर से बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल इसी समय यहाँ से और कुछ देर तक चलने से आ जाएगा बादलगढ़ स्टेशन दोस्तों, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से रोड क्रॉस होने में भी बहुत डर लग रहा है दोस्तों, देख सकते गाड़ियों की संख्या देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी कार, और दोस्तों बहुत ही हेवी स्पीड से जाते हैं यहाँ से दोस्तों, हाई स्पीड से जाते हैं, अगर किसी तरह से टक्कर हो गई दोस्तों तो सीधे हम लोग के दरवाजे तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा दोस्तों।
तो देख सकते हैं दोस्तों ये काठल तली है, यानी कि यहाँ पर मूर्तियाँ दोस्तों बनाया जा रहा है। कोई भी मूर्ति हो यहाँ पे बनाया जाता। देखिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए काठल तली है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बाहर मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ है, देवों की, देवी की, भगवान की, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाया जाता है। ये देखिए सामने और एक है दोस्तों, सिंपली देख सकते हैं सामने और एक है, ये देखिए। थक गए दोस्तों, अभी चलते चलते बहुत थक गए हम, पूरे तरह से टूट चुके हैं थकते थकते। देख सकते हैं दोस्तों मैं किस लिए इस रोड को रिस्की से रिस्की कर रहा था दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों हाई रेड जोन यहाँ पर दिया चुका है, यानी कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो सावधानी से चलाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखा देंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हम स्टेशन पर चले जा रहे हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, रात के बहुत समय बीत चुका है, तो अभी हमें घर भी जाना होगा, तो हम जल्दी से जल्दी स्टेशन पर ले चलते हैं आप लोगों को। देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए बहादुरगढ़ स्टेशन का ब्रिज है ये, और यहाँ से हम जाएंगे स्टेशन पर दोस्तों। बस हम आ गए दोस्तों फाइनली बहादुरगढ़ स्टेशन पर। देखिए ये बहादुरगढ़ ब्रिज दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि भयानक तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक्सीडेंट काफ़ी बार हो चुका है, तो हम किसी एक्सीडेंट के शिकार बनना तो नहीं चाहते, तो इसलिए हम धीरे से दोनों तरफ देख के दोस्तों रोड क्रॉस करेंगे अभी। ये देखिए वो चला गया दोस्तों, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, डर लग रहा है, तो मैं जाने चाहता था, लेकिन दोस्तों अभी बाइक आ गई तो मैं अभी चला जाता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों हम पहुँच गए हैं बहादुरगढ़ स्टेशन पर दोस्तों। काफ़ी अंधेरा रहता है यहाँ पर दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब जब मतलब जब जाके स्टेशन पर एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिन बन चुका होगा दोस्तों, क्योंकि इतनी लाइटिंग होगा ना वहाँ पर दोस्तों, देख लेना। देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए हम पहुँच गए हैं अभी फाइनली स्टेशन पर। तो गाइस देख सकते हैं अभी फाइनली हम कहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए अगरतला की दोस्तों ब्रिज पर, मतलब वो रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर है। ये देखिए बहादुरगढ़ स्टेशन, ये देखिए सामने आके दिखा, सामने आके दिखा फोकस करके। ये देखिए रेलवे की ट्रैक देख सकते हैं दोस्तों, कितना बड़ा है दोस्तों। ये बहादुरगढ़ स्टेशन है दोस्तों, अगरतला का सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे का। देख सकते दोस्तों चारों तरफ छोटा मोटा मार्केट है यहाँ पर दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम फिलहाल पर जा रहे हैं बहादुरगढ़ स्टेशन के अंदर दोस्तों। आप लोगों को तो ब्रिज में दिखाई दिया, अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं स्टेशन के अंदर। रेल की दोस्तों आवाज़ भी सुनाई दे रही है, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ बस रेल ही रेल दिखाई देंगे आप लोगों को। हम अंदर जाएंगे दोस्तों अभी। हाँ ट्रेन है, रेल रेल तो हिंदी में कहते हैं भाई, ट्रेन टू अंदर। तो पगला तो नहीं गया ना? अरे कोई बात नहीं, पगला गया तो उसके दबाए, डर भी लग रहा है क्योंकि अंदर चर्सी वर्सी होगा, नशा गोद गंजूरी। बस रहने दे, इधर दिखा। तो गाइस देख सकते हैं ट्रेन आ रहा है, बिशाल बैदेन। गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रेन जा रही है अभी, देख सकते हैं। तो हम आप लोगों को फाइनली दिखाई दिए बहादुरगढ़ स्टेशन के अंदर दोस्तों। और अंदर नहीं जाते क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, और अंदर तो पता ही है आप लोगों को अभी फ़िलहाल के समय में क्या रहेगा, नशाकोट चर्सी वर्सी रहेगा, तो हम अंदर नहीं जाएंगे अभी। और दोस्तों बहुत भूख भी लगी है, तो कुछ खा लेते हैं पहले, आप लोगों को भी दिखा देंगे क्या खाएँगे, तो चलिए हमारे साथ आज। तो गाइस फिलहाल सभी दुकान बंद हो चुके हैं चारों तरफ, बस यही दुकान खुला हुआ था टिफ़िन का दोस्तों, तो हम यहाँ से कुछ टिफ़िन खा लेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है दोस्तों। देख सकते हैं पीछे छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पर टिफिन बनाया जा रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बनाया जा रहा है टिफिन, ये महोदय टिफिन बना रहा है, तो हम यहाँ पर बैठेंगे। देखिए बहुत ही क्या दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉल दिया गया है देखिए यहाँ पर बैठने के लिए, और यहाँ पर खाने के लिए टिफिन विफिन सब है, तो हो रहा है दोस्तों यहाँ पर टिफिन। देख सकते हो होने से ही खा लेंगे हम, बहुत भूख लगी। अंकल जी टिफिन कितने के है? तीन पूरी सब्जी 20 रुपये का। तीन पूरी और सब्जी 20 रुपये का, ठीक है दो दे दो।
तीन पूरी और सब्जी 20 रुपये। लूट मची है दोस्तों, लूट लूट मची है, बस लूट, देश में लूट मची है कि नहीं। तो तुझे 10 पूरिया मिले 20 रुपये में, तो 10 पूरिया मिलने तो चाहिए, 10 नहीं 5 तो दे। 3 मिल रहे हैं। अबे जा, देख सकते हैं यहाँ पर पूरियाँ तल चुके हैं अभी फिलहाल के समय में। देखिए गरम गरम पूरियाँ तल रही है, ये देखिए बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों टिफिन दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं टिफिन आ चुका है इसके पास, पेट दर्द करेगा तो हमारा टिफिन भी आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टिफिन भी आ चुका है दोस्तों। 3 पूरियाँ दिया गया है, बहुत ही गर्म है दोस्तों, स्ट्रीट फूड है ये, बहुत अच्छा है। ये देखिए तो देख सकते हैं बहुत ही गर्म है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही गर्म है टिफिन, बहुत ही गर्म देखते हैं सब्जी के साथ दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही गर्म है दोस्तों, ये देखिए अंदर सब्जी बहुत अच्छा है, तो दाल देख सकते हैं, देखिए पूरी के दाल, दाल के साथ दोस्तों बहुत अच्छा लगता है पूरी, साथ में मिर्ची। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश हो चुका है हमारा, अभी आखिरी बाइट है, बहुत ही दोस्तों तीखा है दोस्तों आखिरी है। तो दोस्तों अभी हमारा खाना भी हो चुका है, तो काफ़ी रात हो चुका है, अब मैं आंटी को पेमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, तो दोस्तों आज का वीडियो था इतना तक ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट ब्लॉग आप क्या चाहते वो भी कमेंट्स में बता दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग में कहाँ जाओ क्या करो, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।